मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, उनका बयान आया है कि साधुओं की आइडियोलॉजी को हम लोग मानते नहीं हैं। जहां तक हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में दो विचारधारा है। एक विचारधारा वैदिक परंपरा की है और दूसरी विचारधारा साधुओं की विचारधारा है। आम आदमी ये मान के चलता है कि वैदिक परंपरा मनुवादी होने की वजह से अत्याचारी है और दूसरी तरफ साधुओं की विचारधारा जो है इंसानवादी होने की वजह से, मानवतावादी होने के लिए कल्याणकारी है, ऐसे मान के चलता है। मोहन भागवत और आरएसएस जो अपने आप को हिंदू समाज के ठेकेदार मानते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप रोशनी डालिए कि आप कौन से आइडियोलॉजी को मानते हैं, इससे आपका चरित्र लोगों के सामने जरूर आएगा।